हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सीएसआई नेट पे पूछा गया था सेक्शन सी में, और ये जो क्वेश्चन है वो सीओबी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। किस टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है? वो टॉपिक जो रिलेटेड है इस क्वेश्चन से कर रहा है वो है फंक्शन इन्वॉल्विंग सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो सेक्शन सी में आया था और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? लेट यू एक्स वाई बी एन एक्सट्रीमल ऑफ जे यू एक्स वाई, हमें क्या दे रखा है? डबल इंटीग्रेशन डी अब 1/2 यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यू वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स वाई यू डी एक्स डी वाई, वेयर डी इज द ओपन डिस्क इन आर स्क्वायर, देन यू सेटिस्फाइड। तो यू क्या सेटिस्फाइड करेगा? यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई माइनस ई एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो होगा, या फिर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू ई एक्स वाई होगा, या यू एक्स एक्स प्लस यू वाई इसको टू माइनस सी की पावर एक्स वाई होगा, और ये चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन किस टर्म में दे रखे हैं? एक्स वाई यू यू एक्स और यू वाई में दे रखे हैं। बहुत सारे सेवरल वेरिएबल हैं और ये दे रखा है, और हम जानते हैं सेवरल वेरिएबल्स के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। कर्ली एफ ओवर कर्ली यू माइनस कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स, अंदर आ जाता है कर्ली एफ अपॉन कर्ली यू एक्स माइनस कर्ली अपॉन कर्ली वाई, अंदर आ जाता है कर्ली एफ अपॉन कर्ली यू वाई। यानी कि फंक्शन का यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ पर फंक्शन का एक्स के यू एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और फिर इसका मतलब फंक्शन का यू वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो जब हम फंक्शन का यू के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई आ जाएगा, कर्ली ओवर कर्ली एक्स, यहाँ से यू एक्स के सापेक्ष जब करेंगे यहाँ से आपको यू एक्स मिल जाएगा, और कर्ली ओवर कर्ली वाई यहाँ से जब वाई के सापेक्ष करेंगे तो आपको यू वाई मिल जाएगा। ओके, और इससे जब आप यू एक्स का क्या हो जाएगा, दोबारा एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यू एक्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ से यू वाई वाई हो जाएगा, और ढंग से लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई माइनस ए की पावर एक्स वाई कॉस्ट क्या जाएगा? जीरो। यानी कि अगर अब आप हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड क्या है? करेक्ट है, और इसी बेस पर हमारा ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।